इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि काबुल से इस वक्त की बड़ी खबर है, भारतीयों को निकालने वाला कोऑर्डिनेटर अगवा कर लिया है तालिबानियों ने। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, भारतीय कोऑर्डिनेटर को अगवा कर लिया गया है तालिबानियों की तरफ से। कोऑर्डिनेटर के साथ 150 भारतीय थे जिसके पास ये जिम्मा था कि वो उन्हें वापस भारत लेकर आए। 150 भारतीयों के बारे में कोई सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। एक तरफ 90 यात्रियों के साथ जो विमान है वहां से रवाना हुआ और दोपहर बाद वो भारत पहुंचेगा, लेकिन ये अलग से 150 भारतीयों का दल इस कोऑर्डिनेटर के साथ था जिन्हें तालिबानियों ने अपहरण कर लिया है जिनका, और 150 भारतीयों का अभी तक कोई और सुराग नहीं मिल पा रहा है, यानी उनको लेकर कोई जानकारी नहीं है। रविंदर सिंह रॉबिन मेरे साथ जुड़ गए हैं, इस पर क्या अपडेट है? ये बहुत बड़ी खबर है रविंदर जी। मैं इसको कल रात से फॉलो कर रहा था और हर आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद वहां मेरी बात हो रही थी, और लेकिन पिछले 10 बजे के बाद कंटिन्यूसली वहां पे फोन जो है वो मिल नहीं रहे थे। फिर अभी थोड़ी देर पहले वहां पे आई विटनेस से बात हुई है तो उसका ये कहना है कि जो जोहेब नाम का व्यक्ति जो उनको कोऑर्डिनेट कर रहा था, सभी लोगों को एयरपोर्ट तक लेके आया था, क्योंकि इससे पहले वो खलीज वेडिंग हॉल जो काबुल वहां पे रुकवाए गए थे वहां से जब लेके आते हैं, उसके बाद ये 10 बजे, 10:30 बजे से एयरपोर्ट के ऊपर पार खड़े हैं और इनको अंदर नहीं ले जाया जा रहा था क्योंकि वहां पे रश बहुत ज्यादा था। इतने में तालिबान आते हैं, वो हर बस की जांच करते हैं, उन लोगों से पूछते हैं, उनके पासपोर्ट चेक करते हैं, और उसके बाद जोहेब को उन्होंने, जो आई विटनेस बताते हैं कि जोहेब को बस से बाहर निकालकर थप्पड़ मारे गए और उसके बाद उससे उसका मोबाइल ले लिया गया और उसे ले गए हैं। उसके बाद कंटिन्यूसली कोशिश में कर रहा था कि आई बाकी लोगों से बात हो जाए, लेकिन उसके बाद जो इंडियन लोग जो वहां से आना चाहते थे उनमें से जिन लोगों को मैं जानता हूं उनके फोन बंद आ रहे हैं रविंदर। लेकिन अब ये तो बहुत ज्यादा संजीदगी वाली सिचुएशन हो गई, ये पैनिक सिचुएशन हो गई। 150 भारतीय कोऑर्डिनेटर के साथ थे, उनकी अपनी सिक्योरिटी को लेकर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर। अब इसको हम कैसे देखें, क्योंकि अगर आप जैसा बता रहे हैं, आपने जिनसे बात की है उसको उतार कर उसे मारा गया, बाकायदा थप्पड़ मारे गए और फिर वहां से वो सभी गायब हो गए हैं, तो कैसे संपर्क किया जाएगा, क्या चल रहा है और भारत सरकार की तरफ से इसे लेकर क्या और आगे की रणनीति है? जो भारत सरकार के जो मेरे जिनसे मैंने बात की है वो सूत्र मुझे बताते हैं कि भारत सरकार इस पे कार्यरत है, इस पे ऑलरेडी जयशंकर जी बात कर चुके हैं अमेरिका से भी और ब्रिटिश फोर्सेस से भी, और उनसे ताबन कर रहे हैं किस तरह इन लोगों को वहां से निकाला जाए, क्योंकि C-17 प्लेन एयरफोर्स का कल रात से काबुल एयरपोर्ट पे खड़ा है, और उसके बाद उसके अलावा जो वहां से वीडियोज आ रहे हैं जो सुबह हमने दिखाए भी हैं, उनमें साफ नजर आ रहा है कि तालिबान वहां पे उस भीड़ के आसपास गोलियां चला रहे हैं और वहां पे फायरिंग भी तेज हुई है। अभी जो एमईए ने इसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि भारत सरकार इस पे काम कर रही होगी और जल्दी इसके ऊपर हमें कोई जवाब मिलेगा। ठीक है रविंदर, हम आपसे और डिटेल लेते रहेंगे इस पर, आप क्योंकि पर प्रयास करते रहिए। 150 भारतीय हैं जिनका कोई अभी तक जिनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और भारत सरकार की तरफ से भी अगला कदम क्या होगा आप ही के जरिए दर्शकों तक हम बताएंगे पहुंचाएंगे। धन्यवाद आपका इस डिटेल के लिए। आप सोचिए, एक तरफ 90 जो यात्री हैं वो वायुसेना के विमान से सबसे थोड़ी देर बाद भारत लौट आएंगे, लेकिन 150 यात्री ऐसे हैं, हमारा कोऑर्डिनेटर जो उनको लाने के लिए गया था, जिस पर जिम्मा था, उसका भी कोई पता नहीं है, यानी किसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, हम इसी पर बने रहेंगे। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।